वंस अगेन वेलकम बैक ऑन दांगी एकेडमी। तो काफ़ी बर्निंग टॉपिक है ये हिजाब कंट्रोवर्सी, जिसके बारे में हम आज के वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे जो हिजाब पर जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हुई है, कौन कौन से देश है जहां पर बुर्का या फिर जो हिजाब है उस पर बैन लगाया गया है, और हाई कोर्ट का क्या डिसीजन रहा है। तो पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। उसके साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिए। यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल दांगी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जिसके थ्रू भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जैसा कि आज जो है, आज इसकी सुनवाई होनी थी हिजाब को लेकर, और तो आगे बढ़ा दिया गया है। यानी कि जो सबसे पहले ये कहाँ पर स्टार्ट हुआ है, तो कर्नाटक के उडुपी में शुरू हुआ है हिजाब पर जो कंट्रोवर्सी, और इसके लिए लगभग पूरे देश में इस पर बवाल उठा है। और लगभग इसमें ये सामने आया है कि जो छात्रा या जो स्टूडेंट है वो हिजाब पहनकर क्लास में जा रही थी और उसे रोका गया, और उसके बाद से ही ये पूरा विवाद शुरू हुआ है। पहले यहाँ पर देखिए, हिजाब और जो बुर्का होता है दोनों ही में काफ़ी डिफरेंस होता है। हिजाब सिर्फ हिजाब में जो है फेस ओपन होता है, जबकि बुर्के में सिर्फ आईज़ ओपन होती है, यानी लगभग पूरा फेस जो इसको कवर अप किया जाता है। इस वीडियो में हम ये डिस्कशन नहीं करने वाले हिजाब और बुर्का क्या है, आगे इस विवाद के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन को कवर अप करते हैं हम कि कैसे ये जो विवाद है ये स्टार्ट हुआ है, क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी। कर्नाटक के जो उडुपी में गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर इसकी जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हुई है, और इसकी वजह से ये जो मामला है इतना ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, लगातार इतना बढ़ गया है मामला। इसके लिए ये लगभग 3 दिन तक जो स्टेट है वहाँ के स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। यदि बैन नहीं किया गया तो वहाँ पर क्या बात रखी गई है कि कुछ पॉइंट है उसके बेसिस पे हम डिक्लेयर करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट को जो हाई कोर्ट है वहाँ पर रखा गया है अपोजिशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो हिजाब को पहनने के लिए जो एक्सप्रेस किया गया, यानी यहाँ पर सबसे पहले जो आर्टिकल है 19(1)(a) इसके अकॉर्डिंग ये गारंटी देता है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 1(a) क्या गारंटी देता है, ये संविधान के राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। उसके अलावा इसके अंतर्गत क्या क्या है, सॉवरनिटी और इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, मॉरालिटी और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेनेशंस और इंसिमनेंट टू ऑनली वीरिंग अ हिजाब हेड स्कार्फ एंड अटेंडिंग क्लास कैन नॉट इन एनी मैनर बी सेट टू बी प्रैक्टिस दैट डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर एंड इज ओनली अ प्रोफेशन ऑफ देयर फेथ। तो इसके हिसाब से ही यहाँ पर जो कोर्ट है उसमें अर्जी लगाई गई है। देखिए, ये वाला जो पैरा है इसके अकॉर्डिंग कोई भी गतिविधि नहीं होनी चाहिए जो वॉयलेंट हो या दूसरों को डिस्टर्ब करे। जैसे सिख भी दाढ़ी रखते हैं, पगड़ी बांधते हैं, पॉइंट का ऑर्डर है वो कौन कौन से पॉइंट उसमें कवर अप किए गए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले नहीं, 5 फरवरी को जो गवर्नमेंट ने पास किया था एक ऑर्डर, कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग, 133 के सेकेंड क्लॉज के अकॉर्डिंग, कि जो एजुकेशन एक्ट है 1983 एजुकेशन एक्ट है, यानी जितने भी गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उन सभी को फॉलो करने होंगे। और अकॉर्डिंग टू 2013 स्कार्फ होता है वो किसी भी यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं है। आर्टिकल 19(1) है वो हमें ये राइट देता है कि हम क्या पहने, और ये जो अधिकार है इस पर सिर्फ जो आर्टिकल 6 है उसके अकॉर्डिंग इसको रोका जा सकता है या इस पर रोक लगाई जा सकती है। पता दिसंबर की बात है, ये 31 दिसंबर 2021 में गवर्नमेंट PU कॉलेज में एक गर्ल्स या स्टूडेंट है वो हिजाब पहन कर आई, वहाँ पे जो 6 स्टूडेंट हैं उनको क्लास में आने से रोक दिया गया, और उसके बाद में जो कॉलेज है उसके बाहर जो है प्रदर्शन स्टार्ट हो गया था। नेक्स्ट स्टेप है 19 जनवरी 2022 की, यहाँ पर जो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन है या प्रशासन है वहाँ पर छात्राएं, उनके पेरेंट्स और जो अधिकारी थे उसके साथ साथ एक बैठक की गई थी और मीटिंग ली गई, और इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप थी 26 जनवरी 2022 को फिर से मीटिंग होती है, और जो उडुपी के विधायक हैं रघुपति भट्ट, उन्होंने ये कहा कि जो भी स्टूडेंट है वो बिना हिजाब के यदि नहीं आ सकती है वो स्कूल में, तो वो कॉलेज नहीं आएंगी, सॉरी, जो भी स्टूडेंट बिना हिजाब के कॉलेज नहीं आ सकती हैं वो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगी। ये किसके थ्रू कहा गया, विधायक के थ्रू कहा गया। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप था, ये जो सारे पॉइंट्स हैं हम
पर्सनली हमारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है, सारे पॉइंट्स हमने न्यूज़ से कवर अप किए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मीटिंग होती है 27 जनवरी 2022 को, यहाँ पर क्या होता है कि जो स्टूडेंट होती है उन्होंने ऑनलाइन क्लास लेने से अटेंड मना कर दिया कि हम ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर 2 फरवरी को, यानी 2 फरवरी 2022 को उडुपी के ही बात की जा रही है, जो कुंडापुर का जो इलाका है वहाँ पर एक और जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर भी जो हिजाब का है जो कंट्रोवर्सी है वो स्टार्ट हो जाती है। जो हिंदू स्टूडेंट्स होते हैं, ये छात्र और छात्राएं, उनमें हिजाब के जवाब में क्या आता है कि वो क्या कहते हैं कि यदि ये हिजाब पहन कर आएंगे तो हम भी जो भगवा कलर का गमछा है वो पहन कर हम कॉलेज आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर 3 फरवरी 2022 को कि जो कुंडापुर का जो गवर्नमेंट पीयू कॉलेज है वहाँ पर जितनी भी स्टूडेंट हिजाब पहनकर कॉलेज आती है उन सबको रोक लिया जाता है। उसके बाद 5 फरवरी 2022 को जो भी हिजाब पहनकर जितनी भी छात्राएं आ रही थी उनके समर्थन में कुछ ट्विटर के थ्रू कुछ पोस्ट आती है, आप देख सकते हैं कौन कौन सी पोस्ट आई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है 8 फरवरी 2022 को, कर्नाटक में काफ़ी सारे इलाकों में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इसको तुल मिल जाता है इस पॉइंट को और काफ़ी सारे झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, कहीं पर भगवा झंडे फहराते हुए दिखाए जाते हैं, कहीं पर पथराव होता है, तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई देने लगती है। कुछ भगवा गमछे पहनकर छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है इसको यदि हम ऐसे देखें कि ये जो नया जो विवाद या कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है क्या ये एकदम नई है या पहले से ही ये जो विवाद है वो एकदम नया नहीं है, कर्नाटक में जो हिजाब विवाद है एकदम नया नहीं है, इससे पहले भी यहाँ पर क्या हुआ था, यदि पुरानी जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग यदि एनालिसिस किया जाए तो 2009 में जो बटवाल के SVS कॉलेज की बात की जा रही, बटवाल के SVS कॉलेज में एक ऐसा ही मामला सामने आया था। उसके बाद 2016 के बेलारे के डॉक्टर शिवराम करांत गवर्नमेंट कॉलेज में भी हिजाब को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। उसी साल 2016 में श्रीनिवाल कॉलेज में भी विवाद हुआ था और सेम फिर 2018 में सेंट एग्नेस कॉलेज में बवाल हुआ। तो सेम वैसा के वैसा ही यहाँ पर अब उडुपी में हो रहा है जैसा कि वेलारे में हुआ था। और उस टाइम पे क्या हुआ था, जो भी स्टूडेंट हिजाब पहन कर आई थी उन पर उसको रोक लगाने के लिए प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी और उसके पोजीशन में भगवा गमछा पहनकर प्रदर्शन किया गया था। अब इसके लिए जो कर्नाटक गवर्नमेंट है उन्होंने एक ड्रेस कोड लागू किया था, वो कब किया था आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 5 फरवरी को जो गवर्नमेंट है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने एक ड्रेस कोड लागू किया। ये किस एक्ट के थ्रू किया गया है तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले 1983 की धारा 133 के क्लॉज 2 को लागू कर दिया गया। इसके अकॉर्डिंग जो ड्रेस कोड होगा वही सबको पहन के आना होगा और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उन सभी को इस ड्रेस कोड का पालन करना होगा और जो जितने भी प्राइवेट कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं उन्हें भी वहाँ की जो यूनिफॉर्म होगी वही पहनकर आनी होगी। तो ये भी बताया गया कि मान लीजिए कोई सपोज़ कीजिए यदि कोई कॉलेज या स्कूल में ड्रेस कोड नहीं है तो स्टूडेंट ऐसे कपड़े पहनकर आ सकते हैं जिससे किसी भी ग्रुप या किसी सामुदायिक में समानता या शांति की जो व्यवस्था है उसको कोई भी खतरा नहीं होना चाहिए। तो ये बात वहाँ पर की गई थी। इसके साथ साथ ये देखते हैं कि क्या सिर्फ इंडिया में ही ऐसे मामले आ रहे हैं, इसके अलावा और भी कोई ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पर हिजाब या बुर्का को बैन किया गया है इससे पहले कि ऐसे मामले सामने आए हैं। हमारी कंट्री के जैसा कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर मामला छिड़ गया, ऐसे अदर भी कंट्रीज से जैसे कि हिजाब बुर्का फुल फेस हेलमेट्स हुए और इसके अलावा फेस को कवर अप करना, ये सारी चीज़ें बैन की गई है, जैसे कि ऑस्ट्रिया डेनमार्क फ्रांस बेल्जियम बुल्गेरिया नीदरलैंड चाइना श्रीलंका स्विट्जरलैंड, इसके अलावा भी काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज है जिसमें फेस को कवर अप करना बैन किया गया है, जैसे कि स्विट्जरलैंड। तो स्विट्जरलैंड में भी 21 मार्च में जो हेड स्कार्फ है पब्लिक प्लेस पर, इसमें क्या क्या इंक्लूड है जैसे कि बुर्का हुआ निकाब हुआ पर बैन किया गया है। इसके अलावा फ्रांस यदि देखा जाए यूरोप कॉन्टिनेंट का एक पहला ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे पहले 2004 में स्कूलों में सबसे पहले हिजाब को बंद किया गया था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। इसके बाद जो फ्रांस की गवर्नमेंट है उन्होंने 2000
11 में जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पर फेस को कवर करने पर प्रतिबंध लगा दिया, और इसके बाद में उन्होंने फ्रांस में हिजाब पहना या पूरा चेहरा जो कवर अप करने पर लगभग सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर 13,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान कर दिया। यानी मान लीजिए कोई भी जो वुमेन है वो हिजाब पहनती है या चेहरा ढकने के लिए उसको बाध्य भी करता है या उसको फोर्स करता है कि आपको ऐसा करना है, तो उस पर लगभग 26 लाख का जुर्माना होगा। यदि कोई पहनता है तो 13,000, और यदि उसको प्रेशराइज करता है, उस पर फोर्स डालता है कि आपको ये चीज़ पहनना है, तो उस पर 26 लाख रुपये का जुर्माना अप्लाई कर दिया फ्रांस गवर्नमेंट ने। चाइना की बात करें यदि, तो चाइना में भी जो शी जिनपिंग सरकार है उन्होंने क्या किया था, गवर्नमेंट के थ्रू स्कूलों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और जो चीन है वहाँ पर यदि बात की जाए कि जैसे कि बुरकास हो गए, क्लॉथिंग विद क्रिसेंट मून, ये एंड स्टार्स एंड लॉन्ग बियर्ड, इन सब चीज़ों को दिया गया पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेस पर जाने के लिए। बेल्जियम की यदि बात की जाए तो बेल्जियम में भी सेम है, बैन लगा दिया गया वेयरिंग फुल फेस कवरिंग ड्रेस पब्लिक इन पब्लिक सचेस, जैसे कि बुरका हो गया, निकाब हो गया, जो आपको कवर करते हैं आपके फेस को, इन सब चीज़ों पर बैन लगा दिया गया। उसके बाद यदि बात की जाए डेनमार्क की, तो डेनमार्क में भी यहाँ पर भी क्या हुआ था अगस्त 2018 में, और यहाँ की यदि पार्लियामेंट की बात की जाए 2017 में यहाँ पर फेस को कवर करने पर रोक लगा दी गई थी। और इसके बाद में भी यदि कोई अपने फेस को कवर करता है तो उस पर फर्स्ट टाइम यदि वह ऐसा करता है तो 12,000 उस पर जुर्माना, और यदि दोबारा करता है तो 85,000 उस पर जुर्माना लगा दिया गया था। तो सेम वैसा ही जैसे बेल्जियम हुआ, नीदरलैंड, जर्मनी, कनाडा, ऐसे देश है जहाँ पर हिजाब और चेहरे को कवर करने पर प्रतिबंध है। और इसके साथ साथ यदि ऐसी देशों की बात की जाए जो कि मुस्लिम देश है जैसे कि सीरिया, इजिप्ट, तो यहाँ पर भी जो कॉलेजेस है यहाँ पर फुल कवर्ड यदि कोई फेस को फुल कवर करता है, या जैसे कि कोसोवो में जो लड़कियां यदि हिजाब पहनकर स्कूल नहीं जा सकती तो यहाँ पर भी पूरे फेस को कवर करने पर प्रतिबंध लगाया है। इसके अलावा जो ट्यूनीशिया है, मोरक्को है, अजरबैजान, लेबनान, सीरिया, यहाँ पर भी हिजाब को लेकर काफ़ी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए गए हैं। इसके बाद बात करें यदि श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी इसको बैन कर दिया गया है फुल फेस कवर करने को। बुल्गेरिया, इन सभी में भी फुल फेस कवर करने को बैन किया गया है, और इसके ऊपर कुछ ना कुछ जो है जुर्माना लगाया गया है या इनके ऊपर कुछ ना कुछ फाइन अप्लाई किया गया है। नॉर्वे में भी देखिए बुरका जो है स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पहन के जा सकते, सेम वैसा ही नीदरलैंड में भी है, स्वीडन, तो ये काफ़ी सारे ऐसे देश है, इंडिया ही या कर्नाटक में ये ऐसा मामला पहली बार निकल कर नहीं आया है जहाँ पर हिजाब को लेकर कुछ विवाद चल रहा हो। ऐसे काफ़ी देश है जहाँ पहले ही इसको बैन कर दिया गया है, इसके ऊपर कुछ ना कुछ फाइन अप्लाई कर दिया गया है। तो देखते हैं आगे जो भी सुनवाई होती है हाईकोर्ट में उसका क्या रिजल्ट निकल कर आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और यदि आप इसकी PDF चाहते हैं तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।